हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर यूट्यूब पर फिर आज आपके बीच में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु इन फर्स्ट हाउस इन योर बर्थ चार्ट। जब राहु कुंडली के प्रथम भाव में आता है तो उसका क्या फल होता है। इससे पहले हमने बात की थी, राहु को एक्सप्लेन किया था मैंने, उसका मतलब इंट्रोडक्शन दिया था कि राहु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, राहु क्या है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है बर्थ चार्ट में, लगन में, तो उसका क्या फल होगा। पर्सनैलिटी ए टू जेड में सब बताऊंगा व्यक्ति की। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं राहु, जो जो लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको पहले का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए मैंने क्या बताया उसके बारे में, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्या है राहु। देन उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राहु है एल्कोहल, क्राइम, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, नशे, एडिक्शन, जितने भी गलत काम है, फेम, नेम, कैमरा, जो मैं अभी सामने खड़ा हूँ आपके, कैमरा है ये भी एक राहु की कहीं वो होगी, मेरा भी राहु का प्लेसमेंट इसलिए मैं भी आज आपके सामने कैमरे में हूँ, ठीक है। तो राहु कैमरे से जितने भी फिल्म लाइन है, फोटोग्राफर्स होते हैं, राहु उनको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है राहु, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, अभी अलग अलग भाव में इसका क्या फल होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब राहु फर्स्ट हाउस में आता है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति थोड़ा देख सकते हैं, राहु फर्स्ट में होगा तो सेवंथ हाउस में आ जाएगा आपका केतु। तो सेवंथ हाउस में से केतु की जब लगन पे दृष्टि पड़ेगी, राहु भी होगा। सबसे पहले जब राहु लगन में होगा तो व्यक्ति का थोड़ा माइग्रेन, मतलब ये कह सकते हैं माइग्रेन का है, सर में दर्द रहता होगा थोड़ा। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सब कहेंगे, बट हाँ रहता है, व्यक्ति को आँखों प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा लग सकता है। और जो मैंने रीड किया है, जो मेरा नॉलेज मैं वही दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना आपने ये बताया वो बताया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लग भी सकता है, लगा भी हुआ होगा या लग सकता है इन फ्यूचर, तो सावधान रहना। जब राहु फर्स्ट हाउस में आता है तो व्यक्ति के सही है, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि राहु है सर, केतु है धड़। तो जब सर और व्यक्ति देखना भूख हंगरी बहुत होगा, कितना भी खा ले उसको पता नहीं चलेगा मेरा पेट भरा है नहीं भरा, अरे और चाहिए। सबसे पहले राहु जब लगन में होगा तो व्यक्ति को किसी भी चीज़ जितना भी मिल जाए उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उसका कंप्लीट नहीं होगा, और चाहिए और चाहिए, जो भी चीज़ हो, पैसा हो चाहिए, मकान हो चाहिए, पर्सनैलिटी और डेवलप, बॉडी, जिम, मतलब बॉडी बॉडी बना ली, मतलब यार बॉडी है इतनी और चाहिए भाई, बॉडी इतनी से मेरा काम नहीं चलेगा। राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग टाइप्स के ख्याल आते हैं। अब ये देखिए, राहु की प्लेसमेंट कौन से ग्रह के साथ कंजेक्ट हो रहा है, कौन सी राशि में बैठा है, उच्च राशि, नीच राशि या स्वराशि। अगर नीच राशि का है या कुछ गलत ग्रह के साथ बैठा है जैसे चंद्रमा, तो व्यक्ति के मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जैसे कि आपने सोचे भी होंगे, इतने गंदे थॉट्स किसी स्त्री के प्रति, कितने एडिक्शन चीज़ों का, क्राइम करना, ये सारी चीज़ें राहु करवाता है। जब राहु लगन में आता है, अगर ऐसा व्यक्ति नशे में पड़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसको नशों से हटाने में, अलग अलग टाइप के एडिक्शन हो जाते हैं उसको, नशे के, सेक्स एडिक्शन हो जाते हैं। अगर शुक्र हो गई, इसके साथ शुक्र भी आ जाए तो ऐसा एडिक्शन बहुत हो जाता है। तो लगन में जब राहु हो तो प्लीज़ कभी भी आप नशे में ना पड़े ज़्यादा। जब लगन में राहु आ जाएगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि व्यक्ति जो भी चीज़ों को करता है अपनी बुद्धि से सोच के करता है, बहुत सोच समझ के उन चीज़ों को करेगा। जब लगन में राहु आ जाएगा तो व्यक्ति बहुत निडर होगा, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा, डरता नहीं होगा, ठीक है। पर इसके जो एक्सपेक्ट करेंगे फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ हाउस पे, तो भाग्य की वृद्धि करेगा, ठीक है। सेवन्थ हाउस दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है वाइफ। और जब राहु लगन में आया तो व्यक्ति के रंग में थोड़ा बदलाव आ सकता है, थोड़े पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं चेहरे पे, तेल मोल, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, रंग सांवला भी हो जाए, चश्मा लग जाए, हाइट थोड़ी कम हो जाए, तो चीज़ें अलग अलग होती हैं वो। जैसे कन्या राशि का आया तो हो सकता है कि व्यक्ति लंबा हो भले, चश्मा लगा हो, पर रंग में कुछ सुंदरता में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है, अगर सुंदर भी होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब राहु लगन में आता है
फिफ्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देखता है, यानी पांचवी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखता है, तो व्यक्ति की पढ़ाई में बाधाएं रुकावटें आ सकती हैं। इतनी ही चीज़ें थी दोस्तों फर्स्ट हाउस में, अभी मैंने आपको बता दी। वीडियो अगर आपको यार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। कुंडली दिखवाना चाहते हो, हैंड एनालिसिस कराना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कॉल मत करना, मैसेज कर लेना पहले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो। नए हो व्यूअर चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली फ्यूचर में न्यू वीडियो आपको देखने को मिल सके। लव यू ऑल।